हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने ढेर सारे ब्लाउज डिजाइन्स लेकर आए हैं जो कि मैंने खुद ही स्टिचिंग किया है। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट ब्लाउज है जो कि आगे से पान गला में है और ये बैक में कुछ ऐसा डिजाइन है। तो ये काफ़ी ब्रॉड में था तो मेरी क्लाइंट चाहती थी कि मैं थोड़ा इससे छोटा बनाऊँ, और थोड़ा उन्होंने बताया था कि मेरे यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है नीचे में, जो कि मोती वाली लेस लगी थी उसमें, ये सुई वाली लेस वो बताई थी लगाने के लिए। तो उनके कहे मुताबिक हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया है। ये देखिए काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है और जैसा उसमें दिख रहा था वैसे ही बना हुआ है डिजाइन, क्योंकि ये जो हमने बटन लगा रखे फैब्रिक वाला वो भी हमने बॉर्डर में से ही लगा रखा है। तो ये बनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आया है। ये सेकंड ब्लाउज है, ये भी आगे से प्रिंसेस कट में है, और पीछे वाला जो मैंने ब्लाउज दिखाया था वो भी प्रिंसेस कट में। जितने भी मैंने ब्लाउज उसने दिखाए सब प्रिंसेस कट में ही है, और ज़्यादातर से ये साइड का साइड में ही चैन है। इसके देखिए इसके बाजू पर डिजाइन है, ये फ्रंट में ऐसा है प्रिंसेस कट में। फ्रंट का जो नेक है वो गोल में है, आप देख ही रहे हैं। और पता है ये साइड का जो चैन वाला होता है काफ़ी अच्छी फिटिंग देती है। ये देखिए सिंपल है, बैक में भी थोड़ा सा इससे लेस से डिटेलिंग किया गया है, बस उतना ही है। वो चाहती थी थोड़ा सा सिंपल और सोबर लुक रखा जाए। और ये मेरा थर्ड ब्लाउज है, आगे से स्वीट हार्ट नेक है, ये भी प्रिंसेस कट में ही है। इसका भी साइड में चैन रखा है हम लोगों ने, और पीछे से ऐसा ड्रॉप के आकार में बना हुआ है। अभी प्रेस नहीं लगा हुआ कपड़ा इसलिए ऐसा दिख रहा है, प्रेस लगाने का काफ़ी अच्छा ये लुक आया था। और जैसा हम कि इसके बॉर्डर में स्टोन वर्क का डिटेलिंग हुआ था उसी जैसा हमने इसके लटकन में स्टोन वर्क का करके थोड़ा सा अच्छा सा डिटेलिंग दिया है। ये थर्ड ब्लाउज रेड कलर में है जो कि आप देख ही रहे हैं। ये गोल्डन पाइपिंग से फ्रंट में ये डिजाइन बना हुआ है, और उसी फैब्रिक का, रेड फैब्रिक का ही यहाँ पर बटन्स लगे हुए हैं, और इसके गले पे भी पाइपिंग का डिटेलिंग हुआ है। इसका भी साइड में चैन है। इसके फ्रंट में काफ़ी अच्छी मतलब डिजाइनिंग वगैरह हो गई है, तो वो बैक में थोड़ा सा सिंपल रखना चाहती थी, इसकी वजह से स्वीट हार्ट नेक पीछे में है, थोड़ा सा डीप है वो। सबसे अच्छा तो इसके लटकन बने हुए हैं, थोड़ा सा गुच्छे के आकार में बना हुआ है ये लटकन। पहनने के बाद ऐसे वाले लटकन बड़े अच्छे दिखते हैं। एक ये ब्लाउज है, ये भी काफी हैवी वर्क वाला साड़ी है, तो इसका भी वो सिंपल रखना चाहती थी, जिसे आगे में थोड़ा सा ब्रॉड करके जो हम लोग का ये ढाई पे होता है वो ढाई पे ना लेके इसका थ्री पे लेके गया है, थ्री पे से कटिंग किया गया है। तो ये भी काफ़ी थोड़ा ब्रॉड नेक में आया है, लेकिन थोड़ा सा फ्रंट में दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी थोड़ा ब्रॉड है, और बैक में भी ये थोड़ा मटके के लगे आकार में कटिंग हुआ है इसका। अभी काफ़ी अच्छा लग रहा था, उनके जो पहनी थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उनके ऊपर भी ये। तो इस प्रकार का भी आप सिंपल और थोड़ा सोबर लुक में भी रख सकते हैं। आप ज़्यादातर से देखे होंगे कि फ्रंट में इनका कुछ लेस वगैरह सा कम ही डिटेलिंग रहता है, क्योंकि वो फ्रंट में थोड़ा सा कम डिटेलिंग करवाती हैं लेकिन बैक में थोड़ा डिटेलिंग वगैरह करवाती हैं वो। ये मेरा लास्ट ब्लाउज है जो कि ये कोको कोला वाला कलर है, ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ था ब्लाउज, और इनका कलर भी काफ़ी प्यारा है। तो इसका भी फ्रंट में आप देख रहे हैं सिंपल ही है, और बाजू पैसे पतली सी बॉर्डर आ रही थी, ये भी प्रिंसेस कट में है, और इसका बैक तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बैक में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग हुई है लेस से भी और फैब्रिक बटन से भी, आप देख ही रहे हैं। आजकल तो वैसे भी प्रिंसेस कट ब्लाउज में सब बनवा रहे हैं, तो प्रिंसेस कट वैसे बहुत ही अच्छा भी लुक आता है बनने के बाद, और पहनने में भी ये कंफर्टेबल रहता है। और अगर आप साइड के चेन में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप बैक हुक करवा सकते हैं, लेकिन मेरी क्लाइंट को थोड़ा अच्छा लगता है साइड जो चेन रहता है वो। आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा डिटेलिंग हुआ है इसमें। तो वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।